हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में रिव्यू के बारे में बात करेंगे, SBI PO प्रीलिम्स का सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, पहले तो मुझे लगा था कि मेरे से पहले और भी दो शिफ्ट कंडक्ट होंगी, लेकिन जब एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा तो एग्ज़ाम सेंटर पे देखा तो भाई साहब पहली शिफ्ट ही थी हमारी। तो पहले शिफ्ट का दोस्तों बहुत रहता है कि एक्साइटमेंट की पहले शिफ्ट का कैसा रहा है एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, तो उसी के बारे में दोस्तों डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं पर्टिकुलर A to Z आप सभी के लिए लिख करके लेके आया हूँ, क्या क्या था और किस तरह से इंटरफेस था। ठीक है, क्योंकि क्लैरिकल में भाई साहब रीजनिंग पहले था, ठीक है, और इस बार का थोड़ा अलग है। पहले बता देता हूँ मैं आपको कि इंग्लिश सबसे पहले ओपन हुआ, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग, ये सिक्वेंस था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मेरे ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो रहे हैं 63। ठीक है, अब 63 कैसे हुए? इंग्लिश के अंदर मेरे 18 अटेम्प्ट्स हैं और क्वांट के अंदर 21 और रीजनिंग के अंदर 24। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं, क्लोज टेस्ट था दोस्तों, 6 मार्क्स का, इजीली कर सकते थे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो इंग्लिश था दोस्तों वो इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं उसको। वर्ड स्वैप के 4 क्वेश्चन थे और RC था दोस्तों, ये WTO IMF वगैरह यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक के ऊपर दोस्तों एक वो था, रशिया यूक्रेन वॉर का भी दोस्तों उसमें जिक्र किया गया था RC के अंदर। तो RC पे दोस्तों 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 तो एंटोनिम सिनोनिम बेस्ड थे। ठीक है, कीप वाला एक क्वेश्चन था, एक पुश्ड वाला क्वेश्चन था, ये एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन हो गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के दोस्तों 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते थे। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन और फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना इंग्लिश का रिव्यू रहा। इंग्लिश मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। तो क्वांट में दोस्तों सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेशन की बात कर ले, तो दोस्तों अप्रोक्सीमेशन आया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन दोस्तों आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो 11 क्वेश्चन ये हो गए अपने। एक दोस्तों DI थी अपनी, फोक डांस वगैरह ऐसे, मतलब आप कैशलेट DI बोल सकते हैं उसको, कैशलेट DI, जिसमें 360 करके जो लोग हैं वो ओवरऑल डांसेस पसंद करते हैं। तीन टाइप के डांस थे, फॉल्क वगैरह ऐसे कुछ दे रखा था। ठीक है, तो तीन तरह के डांस थे और 360 इस पे दोस्तों 3 क्वेश्चन थे ओनली। ठीक है, एक दोस्तों P और Q पे जो DI की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो P+Q की वैल्यू दे रखी थी, जिसमें दोस्तों ABCD 4 वैल्यूज थी। वो दोस्तों था अपना लाइन ग्राफ, ठीक है, ऐसे लाइन लाइन ग्राफ थे। 5 क्वेश्चन थे, उसमें से दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट था। ठीक है, DI समझने में इजी थी, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों थोड़े बड़े बड़े थे, टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग थे क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन उस पर थे। डिस्पैचमेंट P+Q की वैल्यू दे रखी थी और Q की वैल्यू अलग से दे रखी थी, तो P की वैल्यू आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं और फिर आप आराम से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इस पे थे, 3 क्वेश्चन मैंने कैशलेट DI के आपको बता ही दिया। एक दोस्तों टेबल DI थी जिसमें परसेंटेज दे रखा था, वो मैंने ध्यान से देखी नहीं, लेकिन दोस्तों मुझे उसमें दोस्तों एक नोट भी था, जैसे मेंस के अंदर क्या नोट आता है कि सबकी वैल्यूज़ मिला करके 2700। ठीक है, और उसके बाद BCD करके रेशियो में कुछ वैल्यू दे रखी थी, वयस्क बच्चे और पुरुष वयस्क ऐसे करके दोस्तों, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा था। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने वो बनाया है तो दोस्तों मुझे बताना कि किसके अकॉर्डिंग था वो। ठीक है, उसके बाद ये तो अपने दोस्तों कितने, 5 और 5, 10 और 11, 21 क्वेश्चन ये हो गए, और एक आध क्वेश्चन मैं शायद मिस कर रहा हूँ। 21 क्वेश्चन ये, हाँ, एक क्वेश्चन दोस्तों उस पे था अपना सैलरी, जैसे कि भाई मेरी सैलरी इतनी है, मैंने 30% इतना खर्चा, 30% किराने पे खर्चा किया, रेस्ट का मैंने 10,000 वहाँ पे खर्चा किया, और ऐसे करके डेटा दे रखा था, और वो इजी था, मतलब आप बना सकते थे। एक एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज जैसे कि 35 कैंडिडेट्स हैं, उनकी औसत औसत वेट करके या फिर ऐसा कुछ था, 36 किलोग्राम दे रखा था, और 2 वैल्यूज़ वहाँ पे गलत मतलब काउंट कर ली जाती हैं, तो उनकी वैल्यूज़ फाइंड करके मतलब रियल जो एवरेज होता है वो मतलब कितना होता है। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू वो निकालनी थी। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों कौन सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और किस पे था क्वेश्चन, हाँ, इन्वेस्टमेंट जो
निवेश वाले जाए, ए और बी इतने निवेश करते हैं, इस रेशियो में निवेश करते हैं, तो वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों और कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, और यही थे मेरे अकॉर्डिंग, तो दोस्तों इतना ही है, ठीक है। ये अपना क्वांट का रिव्यू हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों मैंने 24 अटेम्प्ट किए हैं। सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन मैंने देखते ही स्किप कर दिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे थे। कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। इनइक्वलिटी 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्लर्क पीओ वाली पजल थी। वेरिएबल थे पेन, मतलब अलग अलग संख्या में उनके पास पेन है। 5 क्वेश्चन उस पर थे। एक दोस्तों सिटीज़ जो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है, 4 जने दक्षिण में देख रहे हैं, 4 जने उत्तर में देख रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी उत्तर में देख रहे हैं, जे के एल एम दक्षिण में देख रहे हैं, और अलग सिटीज़ पसंद करते हैं, अलग अलग सिटीज़ जाते हैं। तो उस पर 5 क्वेश्चन थे। 2 पॉसिबिलिटी में दोस्तों बन जा रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। 7 पर्सन का ईयर बेस पजल था, ईयर बेस पजल था 7 पर्सन का, और 2022 के अकॉर्डिंग उनका ईयर जो है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो वो भी दोस्तों इजी थे, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वहाँ पर, ये कौन सा निम्न में से सत्य है, कौन सा नहीं है, तो ऐसे करके दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जा रहे थे। एसबीआई का तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। 9 पर्सन का एक वो था शिफ्टिंग, शिफ्टिंग वाला, जैसे कि 9 पर्सन एक के बाद एक जाते हैं ऐसे, तो वो भी दोस्तों थोड़ा मॉडरेट था। तो मेरा तो दोस्तों यही रहेगा सजेशन कि आप दोस्तों जितना भी जो अटेम्प्ट करें वो सोच समझ करके अटेम्प्ट करें, ठीक है। आपको ये नहीं है कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है रीजनिंग में, क्वांट में। जितना बनाओ एक्यूरेसी के साथ बनाओ, ठीक है। ये दोस्तों अपना ओवरऑल रिव्यू हो गया। उसके अलावा 2-3 मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ओवरऑल तो अपना यही है। उसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे रीजनिंग के, तो वो भी बहुत इजी थे। आप दोस्तों एक पजल स्किप करके वो मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो एक पजल थी ऐसी स्किप करने लायक, तो वो मैंने स्किप की है, क्लर्क पीओ वाली। मुझे लग रहा था कि ये पजल स्किप करनी चाहिए, मैंने 3 पजल बनाई है। एक तो पर्सन वाली, जो ईयर वाली, ठीक है, ईयर वाली, एक 9 पर्सन जो बैठे हैं, और एक पैरेलल सेटिंग वाली। ये 3 पजलें मैंने बनाई हैं। कोडिंग डिकोडिंग ईजी था, बन रहा था आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज वीडियो अपना लगभग 7.5 मिनट का हो चुका है, तो आई होप दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप सभी दोस्तों आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हों, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ यार लाइक करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके भाई को फुल सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी की। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए। 18, 19, 20 तीनों दिनों में 4-4 शिफ्टें हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे गाइस।